साथियों, ये मेरा टमाटर के पौधे हैं। इसके मैंने 3-4 वीडियो मैंने बनाए हैं पहले, आप देखिएगा। और इनका भी लास्ट टाइम है, ये सूखने वाले हैं। और काफ़ी सारे ढेरों टमाटर लगे हुए हैं और मैं इनको हार्वेस्ट करने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे हैं, गुच्छे गुच्छे के लगे हुए हैं। तो मैं इस साइड से तोड़ता हूँ और इनकी मैं एक स्पेशल चीज़ बना के आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे ढेरों टमाटर हैं साथियों। मैंने एक टोकरी करीबन टमाटर, 5 केजी टमाटर लगभग हैं, इनको हार्वेस्ट कर लिया है। अभी इससे आगे की कार्रवाई मैं बताने जा रहा हूँ। और ये ऑर्गेनिक टमाटर हैं, अपनी ही क्यारी के हैं। और इनकी मैं एक स्पेशल चीज़ बना के आपको दिखाऊंगा। शायद ही आज तक किसी ने ऐसा बताया होगा कि इससे क्या क्या बनता है। खाने में तो इस्तेमाल ज़रूर होता है, हर एक चीज़ में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इसको पूरा साल भर तक अपने ही घर में कैसे रख सकते हैं इस्तेमाल के लिए, उसके बारे में मैं अभी पूरी जानकारी आपको दूंगा। आप बने रहें लास्ट तक। साथियों, मैंने टमाटर देखिए आप 3 पानी से धो के ये रख दिए हैं और अब मैं इनको काटने जा रहा हूँ। काटने के लिए मैंने एक चाकू लिया है और सबसे पहले ऊपर का इसको उतार देंगे और इसमें डाल देंगे। ये सारे उतारने हैं। उसके बाद इसको चाकू से काटें। इस प्रकार से 4 टुकड़े करने हैं, बड़े के 4 और छोटे के 2 टुकड़े। ये करने के बाद इनका डंठल को हटाना है, सारे के डंठल हटाने हैं और फिर इसका रस निकालना है। इसका रस और बीज सब निकालना है, इसमें एक भी बीज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने इतने काट दिए हैं और अब थोड़ा ही बचे हैं। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने सारे लगभग काट दिए हैं और थोड़ा आपको दिखाने के लिए और इसको थोड़ा ऐसे प्रेस करें ताकि ये धूप में सूखने में जल्दी से सूख जाए। गूदा सारा हटाना है। ये देखिए आप, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि टमाटर के अंदर इसके पीसेस जब आप करते हैं तो इसके डंठल निकालने हैं, अंदर का बीज निकालना है और इस प्रकार से इसको प्रेस करना है थोड़ा। साथियों, ऑर्गेनिक टमाटर, अपने बगीचे के टमाटर सारे कट कर लिए हैं और जो कबाड़ है इसको अलग कर दिया है और जो अच्छा है इसको एक ट्रे में मैंने रख लिया है। इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जब टमाटर के आप टुकड़े करते हैं तो इसके अंदर बीज नहीं होना चाहिए और गूदा भी नहीं होना चाहिए, खाली ये मोटा पार्ट्स इसमें रखें। और इसको काटने के बाद इसका डंठल को हटाना है। जैसे मैंने हटा रखे हैं, कोई भी डंठल नज़र नहीं आ रहा, सारे इधर हैं, सारे कबाड़, सारे डंठल, सारा बीज, सारा इसका रस सब इसमें है। और इसकी मैं ऑर्गेनिक खाद बनाऊँगा। डंठल किसी में ना हो, बीज ना हो। और काटने के बाद लास्ट में इसको इस प्रकार से थोड़ा चौड़ा करके प्रेस कर देना है ताकि जल्दी सूख जाए। इस प्रकार से जैसे मैंने किए हुए, देखिए आप सारे प्रेस किए हुए, कोई छूट गया होगा तो मैं जब सुखाऊंगा तो तब कर लूँगा। ये इस प्रकार से इसको करना है ताकि ये जल्दी सूख जाए, नहीं तो सड़ जाएगा ये। और अगली बात ध्यान देने वाली ये है कि जिस दिन धूप है इसको उसी दिन काटा जाए, नहीं तो ये सड़ जाते हैं। और इसको तेज़ धूप की ज़रूरत है, 5-6 दिन की। तो इस प्रकार से मैंने सारे टमाटर कट कर लिए हैं, अच्छा माल इधर कर लिया है और जो ख़राब है उसको आउट कर दिया है। साथियों, ये मेरा टमाटर का सूखा, ये 2023 का है, 23 में मैंने इसको बनाया था। इनका सूखने के बाद ऐसी कलर ऐसी बन जाता है और इसको एयरटाइट बटन में, एयरटाइट डब्बे में रखना पड़ता है। और जितनी ज़रूरत पड़ती है, 1 महीने के लिए 1 मुट्ठी, उतने को आप अपने मिक्सी में पीसें और फिर 1 महीने के लिए ये तैयार हो जाता है। और आधा स्पून इसका पाउडर, आधा स्पून हर एक सब्जी में, दाल में आप डाल सकते हैं। और ये हुआ ऑर्गेनिक टमाटर का, साल भर हम कैसे इसको साल भर चलाते हैं। तो ये मैंने आपको एक नया तरीका, शायद मैं कोई करता होगा लेकिन मैंने तजुर्बा किया है। मैं 2 साल से इसको बना रहा हूँ क्योंकि टमाटर बहुत लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्या किया जाए इनका, इनको कैसे मैं इस्तेमाल में लाऊँ। मैंने इसका मुरब्बा भी बनाया,
चटनी भी बनाई, फिर भी बच गए। तो बचने के बाद मैंने टोमेटो सॉस भी बनाया, बाज़ार में ले गया मशीन में, टोमेटो सॉस भी बनाया 24 बोतल, फिर कुछ बांटी हैं, कुछ मैंने इस्तेमाल की हैं, फिर भी टमाटर बच गए थे। तो 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इसी प्रकार से, इसी मेथड से ये किया, टमाटर तोड़े, ऑर्गेनिक टमाटर अपने बगीचे से तोड़े। तोड़ने के बाद मैंने उनको धोया तीन पानी से धोने के बाद फिर इनके अंदर का कबाड़ पूरा निकाला, मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, पूरा कबाड़ निकाला और जो अच्छा चीज़ है उसको इधर रखा। और फिर इसको मैं अभी खाने जा रहा हूँ छत में धूप में, जैसे मैंने बताया 5-6 दिन, 3 दिन भी लगते धूप में, 3-4 दिन, थोड़ा हल्की धूप में 5-6 दिन, इस प्रकार धूप का मामला है। तो सूखने के बाद ऐसा तैयार होगा। और ये जैसे मैंने बताया 2023 का है, देखिए अभी तक चल रहा है, साल पूरा हो गया, अभी तक ये बचे हुए हैं और एक महीने से भी ज़्यादा ये मेरे चलेंगे। इनको मैं पीसूँगा भी, इनमें कोई फफूंदी नहीं लगी हुई है, देखिए आप, फफूंदी लगने से वाइट हो जाता है, देखिए आप, इनको मैं सुखाने जा रहा हूँ, सूख के ऐसे हो जाएंगे। और ये रहा, ये जैसे मैंने पहले बताया जो ये कबाड़ है, इसको मैं किचन वेस्ट में इस्तेमाल करके इसकी अच्छी खाद बनाऊंगा और फिर टमाटर के ही पौधों को दूंगा। उसी पौधे से खाद तैयार कैसे करते हैं, उसी के कबाड़, कीड़ों ने खाए हुए इसके डंठल और सारा, इसको खाद बना के फिर टमाटर के पौधे जो अगले साल में लगाऊंगा, अगली बार लगाऊंगा, उसमें इस्तेमाल करूंगा। तो ये है उसी पौधे से उसी को खाद तैयार करने की विधि। मतलब मैंने किसी पौधे का फल इस्तेमाल किया है तो उसी पौधे के जो कबाड़ हैं, छिलके हैं, उससे खाद बनाने का ये एक फॉर्मूला भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पूरा वीडियो मेरा समाप्त है। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कैसे लगा, पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप न करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।